दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी का लेक्चर 5th। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो थार का मरुस्थल रहेगा। दोस्तों, कल अपन बात कर चुके थे अरावली पर्वतमाला के बारे में, और अपन ने कहा था कि राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेशों को अपन ने 4 भागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला भाग अरावली पर्वतमाला था और दूसरा भाग जो है वो है थार का मरुस्थल। इस टॉपिक को अपन आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर दें, और जिसने भी मेरे अभी तक पिछले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले जाकर 4 लेक्चर देख लें, ताकि सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। थार का मरुस्थल में सबसे पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट ये आता है दोस्तों कि इसका जो विस्तार है वो राजस्थान में 12 जिलों में देखने को मिलता है। कौन कौन से वो 12 जिले हैं वो भी अपन मैप में देखेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इसकी लंबाई देखने को मिलती है वो कुल 640 किलोमीटर की लंबाई देखने को मिलती है, वहीं चौड़ाई इसकी 300 किलोमीटर का विस्तार राजस्थान में देखने को मिलता है। राजस्थान के कुल क्षेत्र के 61.11% भाग पर यह फैला हुआ है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल मैं आपको बता चुका था कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, जो कि है 342,239 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, उसका 61.11% होता है 233,100 वर्ग किलोमीटर। तो इस इतने क्षेत्र पर राजस्थान के इतने क्षेत्र पर थार का मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलता है। वहीं इस क्षेत्र पर राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,47,438 का 40% यहाँ पर निवास करता है, जो विश्व में सर्वाधिक किसी मरुस्थल पर निवास करने वाली जनसंख्या है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी रह जाता है कि क्या कारण है कि थार का मरुस्थल बना, और ये कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट रह जाता है अपने आप में। तो सबसे पहले अपन इस चीज़ को और देखते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि थार के मरुस्थल के स्थान पर पहले टैथिस नामक एक सागर हुआ करता था, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से छिलछिला होता चला गया। अर्थात नदियां अपने पानी के साथ में मिट्टी को बहाकर लाती थी और इस सागर में डाल देती थी, जिसके कारण ये सागर कम गहरा होता चला गया और एक मरुस्थल का रूप ले लिया। दोस्तों, इसके कुछ प्रमुख कारण और भी हैं, चलिए देखते हैं। जिसमें से पहला जो कारण आता है वो ये है कि पछुआ पवनों के कारण बहाकर लाई गई मिट्टी के निक्षेपण से। दोस्तों, पछुआ पवने वो पवने होती हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, और आपको पता है कि राजस्थान और भारत के पश्चिम में एक सारा मरुस्थल है। तो ये जो पवने थी ये सारा मरुस्थल से मिट्टी अपने साथ में बहाकर लाती थी और अपने साथ में लेकर आती थी और भारत के पश्चिमी एरिया पर या लाकर निक्षेपित कर देती थी, जिसके कारण भी थार के मरुस्थल की उत्पत्ति हुई है। वहीं दूसरा जो कारण आता है वो आता है वनों की कटाई। दोस्तों, अनियमित वनों की कटाई भी अपने आप में एक कारण था थार के मरुस्थल बनने का। दोस्तों, तीसरा जो कारण आता है वो आता है अनियंत्रित पशुचारण। वहीं चौथा कारण आता है बढ़ती जनसंख्या का दबाव। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, उनकी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई अत्यधिक तरीके से होने लग जाती है, जिसके कारण भी थार का मरुस्थल बनने का एक प्रमुख कारण है। वहीं पांचवा जो कारण आता है वो आता है जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, आप बात करते हैं कि थार के मरुस्थल की वनस्पतियों के बारे में। यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो 1 से 2 मीटर ऊंची देखने को मिलती हैं, छोटी वे कांटेदार पत्तियाँ देखने को मिलती हैं, मजबूत जो पेड़ होता है उनका तना मजबूत होता है, वहीं जड़ें जो होती हैं वो गहरी होती हैं। गहरी होने का कारण आप समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी होती है, इसलिए पेड़ पौधे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो उनका फैलाव होता है जड़ों को, वो नीचे तक चला जाता है, काफी गहरा चला जाता है। दोस्तों, वहीं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट थार के मरुस्थल में देखने को मिलता है वो ये है कि थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि 40 डिग्री समवर्षीय रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, वहीं 50 डिग्री समवर्षीय रेखा
अरावली पर्वतमाला को दो भागों में विभाजित करती है, और वहीं 25 डिग्री समवर्षीय रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। दोस्तों यहाँ से कई बार प्रश्न निकल चुका है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं कि ये दो भाग कौन कौन से हैं मानचित्र की सहायता से। ये आप देख पा रहे हैं राजस्थान का मानचित्र, इसमें जो ये रेखा आपको देखने को मिल रही है, ये रेखा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ठीक है। वहीं इसका जो पश्चिमी भाग है, इसको कहा जाता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और इसके पूर्वी भाग को कहा जाता है अर्ध शुष्क शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दोस्तों शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के चार जिले प्रमुख आते हैं। कौन कौन से चार जिले? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। इसका कितना कितना भाग आता है वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। शुष्क प्रदेश में ये श्रीगंगानगर का 25% भाग या फिर 1/4 भाग शुष्क में आता है। वहीं बीकानेर का जो 66.67% भाग है वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। जैसलमेर का 100% भाग शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आता है। वहीं बाड़मेर का 44% भाग शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलता है। दोस्तों वहीं राजस्थान के अर्ध शुष्क के मरुस्थलीय प्रदेश में प्रधान 8 जिले देखने को मिलते हैं। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर और जोधपुर। जोधपुर के बाद में अपन को देखने को मिलता है पाली और जालौर। दोस्तों ये 8 जिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 जिले जो हैं वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि थार का मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार प्रमुखता है 12 जिलों में देखने को मिलता है, जिसमें से 4 अपन पढ़ चुके हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और 4 अपन पढ़ चुके हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। दोस्तों एक बात और बता दूं कि व्लादिमीर कोपेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जलवायु का विभाजन किया था भारत और राजस्थान का, अलग अलग नाम दिए थे। उनमें से जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को नाम दिया था वो दिया था इन्होंने BWHW। दोस्तों ये नॉमनक्लेचर है, आपको इनका फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ इनका ये नाम नॉमनक्लेचर याद रख लो कि जो व्लादिमीर कोपेन थे उन्होंने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को BWHW कहा था, वहीं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को BSHW कहा था। दोस्तों अगर मुझे समय मिला तो मैं व्लादिमीर कोपेन और टी वार्था का वर्गीकरण राजस्थान का पूरा अलग एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वहीं दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार जो है वो जैसलमेर में देखने को मिलता है। वहीं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार जोधपुर जिले में देखने को मिलता है। दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को आगे फिर 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं? गग्गर नदी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी नदी बेसिन। दोस्तों इन सभी भागों को अपन को थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत है, और यहाँ से आपको हमेशा एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं घग्गर नदी बेसिन की। दोस्तों आपको पता है राजस्थान के उत्तर में एक राज्य देखने को मिलता है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की कालका पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की कालका पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है घग्गर नदी। वो नदी हिमाचल के बाद में पंजाब में बहती है, पंजाब के बाद में हरियाणा में बहती है और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान, ये अपना हनुमानगढ़ जिला है, यहाँ से वो प्रवेश करती है। यहाँ एक नाम है टिब्बी, टिब्बी नामक स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद में यह नदी हनुमानगढ़ जिले के ही भटनेर तक, यहाँ पर एक जगह का नाम है भटनेर तक,
वहां तक ये बहती है और उसके बाद में भूमिगत हो जाती है, मतलब भूमि के अंदर चली जाती है। दोस्तों वर्षा के समय ये नदी थोड़ा और आगे जाती है और गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तक जाकर यह नदी फिर भूमिगत होती है और पाकिस्तान में फिर बहने लग जाती है, और पाकिस्तान में इसी नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप नोट्स बना सकते हैं इसका वीडियो पॉज करके, मैं एक एक लाइन आपको अच्छे से बता रहा हूँ कि घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की शिवालिक हिमालय की कालका पहाड़ी से, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय की कालका पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। पंजाब हरियाणा में बहने के बाद में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ जिले के ही भटनेर तक बहने के बाद में भूमिगत हो जाती है, मतलब भूमि के अंदर चली जाती है। परंतु वर्षा के समय ये नदी क्या करती है, गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तक बहती है, उसके बाद में भूमिगत होती है और पाकिस्तान में इस नदी ये इसके बाद में पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता है, हकरा के नाम से जाना जाता है, और ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक बहती है। और इस नदी का जो कुल लंबाई है वो 465 किलोमीटर देखने को मिलती है। दोस्तों वहीं बात करें कि जो इसका अपवाह तंत्र है, दोस्तों मैं बता चुका अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, तो जो इसका नदी का अपवाह तंत्र है इसे नाली प्रदेश भी कहा जाता है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, नाली प्रदेश किसे कहा जाता है, घग्गर नदी के अपवाह तंत्र को, कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने बात करी घग्गर नदी बेसिन की, अब बात करते हैं शेखावटी प्रदेश की। दोस्तों शेखावटी प्रदेश में ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अधिकांशतः जोहड़ और तालाब देखने को मिलते हैं, और वहीं जोहड़ वाले बाबा किसे कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है जोहड़ वाले बाबा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है नागौरी उच्च भूमि, यहाँ सांभर डीडवाना कुचावन नावा जैसी लवणीय झीलें देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ खारे पानी की झीलें देखने को मिलती हैं, कौन कौन सी खारे पानी की झीलें, सांभर डीडवाना कुचामन नावा जैसी लवणीय झील देखने को मिलती है, और इस लवणता के कारण ही यहाँ के लोगों की पीठ में कुबड़ पाई जाती है, इसीलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कुबड़ आप समझते हैं, पीठ पे जो उभर जाती है ना भाग, उसको कुबड़ कहा जाता है। वहीं दोस्तों चौथी जो अपन ने बात करी थी वो बात करी थी लूनी नदी बेसिन की। दोस्तों लूनी नदी बेसिन सिर्फ लूनी नदी का अपवाह तंत्र है और उसकी सहायक नदियाँ, ये टॉपिक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा राजस्थान की नदियों में। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है अपना थार का मरुस्थल। कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, अगर कोई भी सजेशन या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।